ठीक है, इसको अलाउ कर दिया मैंने। ठीक है, थैंक यू। ओके चलें, जहाँ पे स्टॉप किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो यहाँ पे स्टॉप किया था हमने इसी पे कि देखिए जो जो चीज़ें अभी आज जो है वो मैंने क्या कहा आपको कि ज़्यादातर मैंने डेरिवेशन पे कॉन्सेप्ट रखा है। तो उन डेरिवेशन के लिए देखें अभी ये पीडीएफ भी हमने देख लिया, सीडीएफ भी देख लिया, और पुरानी जो कुछ प्रॉपर्टीज मीन मीडियन और वेरिएंस वगैरह थे ये भी हमने चेक कर लिया कि जो चीज़ें हमें डिफाइंड की गई हैं क्या ये बिल्कुल ठीक है या नहीं। तो सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट करके जो है वो देख ली, सही है। तो कैलकुलेट करके देखने के बाद जो है वो हमारे पास पता चला कि सारी की सारी चीज़ें जो ऊपर डिफाइन की गई है एज अ प्रॉपर्टी और जो फंक्शंस आपको बताए गए हैं वो बिल्कुल ठीक फंक्शंस है। तो अब हम आगे उनकी तरफ मूव करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमने आज आज जो है वो उनकी डेरिवेशंस पे भी काफ़ी कंसंट्रेशन किया, और डेरिवेशन के तौर पे जो है वो हमने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया डेरिवेशन का, और हर एक एक वैल्यू के फंक्शंस को डाल डाल के चेक किया कि आइदर जो इसका मीन और वेरियंस वगैरह है ये सब कुछ कैलकुलेट होके बिल्कुल सही आ रहा है या नहीं। तो ये बात वेरीफाई कर ली हमने कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक आ रहा है सारी की सारी चीज़ें। तो अब आपके पास दूसरी चीज़ आपके पास क्या आ जाती है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ एग्जाम्पल है। तो पहली एग्जाम्पल के अंदर कहा गया है आपके पास एक रेंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आपके पास ये एक एफ ऑफ एक्स गिवन है जिसकी लिमिट इन्होंने ये डिफाइन कर दी, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द पीडीएफ ऑफ वाई। अब इस वाई का जो है इन्होंने कहा है कि आप एक पीडीएफ बनाएं। तो क्या तरीकेकार है बनाने का, तो तरीकेकार ये है बनाने का कि सबसे पहले आप इसके अंदर जो है वो क्या करें, लोअर लिमिट और अपर लिमिट सब्सिट्यूट करें। तो लोअर लिमिट इस वाई इस पूरे फंक्शन वाई के अंदर सबसे पहले आप अपनी लोअर लिमिट डालें, एक्स की जगह पे लोअर लिमिट डालें। तो एक्स डिवाइडेड बाई 2 + 50, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, आपके पास एक एक लोअर लिमिट डालने पे एक एक वाई की वैल्यू क्या आ गई, 50। फिर आप इसकी अपर लिमिट सब्सिट्यूट करें, अपर लिमिट क्या है, 200। तो अब आप जब x की जगह पे 200 डिवाइडेड बाय 2 + 50, तो अब आप 200 डिवाइडेड बाय 2 + 50 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आया, 150। तो इसका मतलब है आपने इसकी लोअर और इसकी अपर निकाल ली। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने कहा था इसका पीडीएफ बनाइए। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन ये होता है 1 डिवाइडेड बाय, इसका पीडीएफ क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय b-a और a से लेके b तक के लिमिट। तो आपको ए से लेके बी तक के लिमिट चाहिए होती है और बी माइनस ए चाहिए होता है। तो बी माइनस ए बेसिकली इसकी लिमिट ही होती है, ठीक है, क्योंकि इसकी लिमिट ही क्या डिफाइन करती है, इसकी लिमिट ही बेसिकली जो है वो आपका एफ ऑफ एफ वाई डिफाइन करती है। तो आपने लिमिट डिफाइन कर ली, लोअर डिफाइन कर ली 50, अपर डिफाइन कर दी 150। तो अब आपने क्या किया, लोअर 50 अपर 150। तो लोअर 50 और अपर 150 के अंदर आपने क्या डिफाइन कर लिया, दोनों चीजें डिफाइन कर दी। अब लोअर एंड अपर 150 के अंदर अब आपने क्या करना है, ये ए की वैल्यू क्या है 50 और बी की वैल्यू क्या है 150। तो अब आप बी की जगह पे 150 रख दें और ए की जगह पे 50 रख दें, दोनों को माइनस करें तो आंसर क्या आया, 1/100। 1/100 पे जो है वो उसका आंसर ये, इसकी लिमिट और 1/100। तो आपने क्या किया, ये जो फंक्शन आपके पास गिवन था इसका आपने क्या कर लिया, इसका पीडीएफ मालूम कर लिया। तो पीडीएफ आपने पीडीएफ का फंक्शन यूज किया, उसके अंदर अपनी लिमिट्स डाली, लिमिट डालने के बाद पहले लिमिट निकाल ली, फिर लिमिट सब्सिट्यूट करके फाइनली आपने एफ ऑफ वाई का आपने क्या निकाल लिया, एक पीडीएफ मालूम कर लिया, ठीक है। तो इन दी केस कि अगर आपको कहा जाए कि किसी फंक्शन आपको एक्स्ट्रा फंक्शन दिया हुआ है और कहा जाए कि इसको पीडीएफ बना के दिखाएं, तो फिर आप यही यूज करोगे कि सबसे पहले इसकी लोअर और अपर फाइंड करके फिर आप उसके अंदर क्या करोगे, अपनी वैल्यू को सब्सिट्यूट करके जो है वो अपने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बना लोगे। तो एक एग्जाम्पल इस तरह की हो गई। दूसरी एग्जाम्पल देखें कि एग्जाम्पल क्या है आपके पास, यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है जिसमें डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज फाइंड करने के लिए कहा। सपोज कर एक एक्स इज अ रेंडम वेरिएबल हैज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन c 200 एंड d 250। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स। अब इन्होंने आपसे पूछा कि आपके पास एक लिमिट इन्होंने डिफाइन कर दी रेंडम वेरिएबल की 200 से 250 तक के। अब आप हमें बताएं इसका फंक्शन क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी। अब यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी या इसका पीडीएफ फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो इसका एफ ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए आपको पता है कि क्या होता है, इसका एफ ऑफ एक्स बी माइनस ए के बराबर होता है। तो बी बी आपके पास क्या गिवन है, 250 क्या है आपका बी और ए क्या है 200। तो इसका एफ ऑफ एक्स मालूम कर सकते हैं आप, इस फॉर्मूले में आप सब्सिट्यूट कर दें 250 - 200। तो आपके पास 250 - 200 करा तो फाइनली आपके पास एफ ऑफ एक्स आ गया, एफ ऑफ एक्स क्या है 1/50।
इस पूरे रेंज की जो आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी, इसका जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है आपके पास, 150 है इस पूरे रेंज में जो प्रोबेबिलिटी, क्योंकि सेम अकर होगी तो सेम अकर होने की वजह से इसका आंसर क्या आएगा, 150। अब कुछ और प्रोबेबिलिटीज फाइंड करने के लिए भी कह दी जाएं कि जैसे फाइंड करें प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर देन 230, लेस देन 230 और रेंज ऑफ 200 एंड 250। अब इस पूरे इसकी इन्होंने कहा कि हमें कुछ प्रोबेबिलिटीज मालूम करके दें, मतलब 230 से ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी मालूम करें। तो बताइए ये 200 है, अगर हम इसी के अंदर नोटेशन अप्लाई करें तो 200 के बाद 210, 220, 230, सही है। अगर मैं इसी इसी फिगर को आपके साथ व्हाइट बोर्ड पे बना देती हूँ जरा, जैसे यहाँ पे आपके पास है और यहाँ पे आपके पास 200 से 250 तक की रेंज दी हुई है, ये हो गई बी और ये हो गई ए। अब जरा इसके डिफरेंट पॉइंट्स बताइए, इनके दरम्यान में कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो मैं जरा 210 लिख लेती हूँ, 220 लिख लेती हूँ, 30 लिख लेती हूँ, 240 लिख लेती हूँ, मैंने 10-10 के डिफरेंस से बना लिए। अब वो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी मालूम करें 230 से 250 के दरमियान की, मतलब 230 से लेस देन की प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए कहा जा रहा है। तो 230 से लेस देन का मतलब है कि ये वाला पोर्शन, और 230 से ग्रेटर देन का मतलब है ये वाला पोर्शन। 230 का ग्रेटर देन का मतलब है कि 230 से लेके 250 तक की, यहाँ तक कि इन दोनों के दरमियान में आपको इसका एरिया फाइंड करना है, और अगर 230 से लेस कहा जाए तो इसका मतलब है कि ये 200 से 230 के दरमियान में आपको प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है। तो ये चूंकि सबके पास यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म में प्रोबेबिलिटीज इस तरीके से मालूम की जाती है। अब देखें, सबसे वापस स्लाइड शेयर करती हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक कहा गया ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी, तो ग्रेटर देन 230 से बड़ी प्रोबेबिलिटीज, तो 230 से बड़ी प्रोबेबिलिटीज के अंदर हमने यहाँ पे क्या करना है, इसकी रेंज कहाँ से लगानी है, 230 से लेके 250 तक, क्योंकि इसकी फाइनल रेंज क्या है 250, उस पर रख के आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ एक्स अभी आपने कैलकुलेट किया था, वो क्या था, 1/50। तो 1/50 को बाहर निकाल दीजिए, अंदर क्या बचा, सिंपल x, x पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट इंटीग्रेट कर दें, तो आंसर क्या आएगा, 0.4। तो आपने बताया कि 230 से लेके 250 तक का जो एरिया है उसका आंसर है 0.4%। इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 0.4 है। अब अगर इसी तरीके से आपसे कहा जाए कि बेटा लेस देन की प्रोबेबिलिटी मालूम करें, तो उसका मतलब है कि 200 से लेके 230 तक की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, मतलब लेस देन का मतलब है 230 से पीछे तक का एरिया। तो पीछे का जो लोअर लिमिट आती है वो 200 आती है, और अपर लिमिट आती है वो 230 आती है। फिर आपने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के लिए 1/50 कॉन्स्टेंट था, बाहर चला गया, सिंपल आपने लिमिट सब्स्टिट्यूट करी, तो आंसर आया 0.6। तो देखें यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है वो, उसका आंसर क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटीज कितनी है, 0.6, और यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोबेबिलिटी है 0.4, दोनों को प्लस करें, 6 और 4 = 0.1। अब इन्होंने एक रेंज मालूम करने के लिए दी कि 200 से 250 तक की पूरी रेंज करके बताइए, तो पूरी रेंज किसके बराबर होगी, ऑब्वियसली 1 के बराबर होगी। तो आप बस इसके कॉन्स्टेंट वैल्यू था बाहर निकाला, इंटीग्रेशन अप्लाई करी, इंटीग्रेशन ये एक्स के बराबर हुई, अपर लिमिट लोअर लिमिट डाली, चेक करा, आंसर क्या आया, 1। तो इस कंप्लीट एरिया की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1, हाफ एरिया की प्रोबेबिलिटी 0.6, 230 से ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी 0.4, और कंप्लीट की कितनी है, 1। स्टूडेंट अजान हो रही है, फिर डिस्कस करती हूँ। तो अब यहाँ पे इसी चीज को अगर हम कंटिन्यूस के हिसाब से बात करें, तो कंटिन्यूस में हम क्या करते हैं, अगर कंटिन्यूस की वैल्यू पे बात करें तो कंटिन्यूस का मतलब है कि अगर हम किसी एक लिमिटेड टाइम, फॉर एग्जाम्पल के मुझे फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी के 5 मिनट के अंदर कितनी नंबर ऑफ कॉल्स जो है वो अकर हुई। अब 5 मिनट्स हैं, 5 to 10 मिनट्स के दरमियान में कितनी कॉल्स अकर हुई। अब एक 5 है और एक 10 है, इन दोनों के दरमियान में मैं देख रही हूँ कि भाई कितनी नंबर ऑफ कॉल्स अकर हुई। तो अब जैसा कि सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था डिस्क्रीट के लिए, लेकिन डिस्क्रीट के लिए जो टाइम से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन थी वो क्या थी, पॉइजन।
क्योंकि हर वो स्पेसिफिक पॉइंट पे आके ड्रॉ कर रही थी, उस स्पेसिफिक पॉइंट पे आके आप वैल्यूज जो वो फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप क्या बात करोगे, यहाँ पे आप एक कंटिन्यूस इंटरवल के अंदर अगर आपने बात करनी है, जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे कॉल रिसीव करनी है या कॉल की प्रोबेबिलिटीज चेक करनी है कि कितनी नंबर ऑफ कॉल्स अकर हुई हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटीज चेक करने के लिए मुझे एक इंटरवल दे दिया गया है 5 to 10। अब इस इंटरवल के दरमियान में या इस कंटिन्यूस पॉइंट के दरमियान में मुझे अगर प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्सपोनेंशियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपस में बिल्कुल बराबर होती हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम, सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही होते हैं। जो पॉइजन के कॉन्सेप्ट थे वही सारे कॉन्सेप्ट एक्सपोनेंशियल के भी हैं, लेकिन बस डिस्टिंग्विश किस तरह करोगे कि मैं आप इस तरह कहोगे कि वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपके डिस्क्रीट पॉइंट के लिए इस्तेमाल की जाती है, जबकि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन आपके कंटिन्यूस रैंडम पॉइंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। बस ये दोनों आपस में जो है वो इस तरीके से, ये छोटे छोटा सा इसके दरमियान में डिफरेंस है। बाकी सारे जो मैंने आपको पॉइजन के बारे में समझाया था, वही सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के बारे में। लेकिन बस क्या होगा कि वो मतलब इन डेप्थ जो पीछे की वर्डिंग्स थी वो तो बिल्कुल एक्सपोनेंशियल वाली है, कि टाइम्स के दरमियान में अगर आपको प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है तो वो क्या होगी, एक्सपोनेंशियल होगी। लेकिन यहाँ पे रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट नेचर के नहीं बल्कि कंटिन्यूस नेचर के होंगे। लेकिन यहाँ पे आपके पास इसका जो पीडीएफ होगा और सीडीएफ होगा ये मुख्तलिफ होगा, क्योंकि पॉइजन का पीडीएफ और सीडीएफ जो, पॉइजन का पीएमएफ और सीडीएफ जो है वो डिफरेंट था, ठीक है। पॉइजन के लिए आप सबमिशन यूज करते थे, तो अभी यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के लिए आप जो पीडीएफ इस्तेमाल करोगे वो होगा अल्फा एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स, ये इसका जो है वो बेसिकली आपके पास क्या होगा, पीडीएफ होगा। और इसी तरीके से जो है वो आपके पास इसका जो सीडीएफ होगा वो सीडीएफ होगा 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा ओवर एक्स, ये इसका क्या है, आपके पास सीडीएफ मौजूद है। तो अब मैं दोबारा से, क्योंकि यूनिफॉर्म की मैं सीडीएफ पीडीएफ और तमाम प्रॉपर्टीज वेरीफाई करवा चुकी हूँ, तो अब मैं हर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं करवाऊंगी, बस एक बार आपको आनी चाहिए थी कि किस तरीके से वेरीफाई करते हैं। अब अगर आप चाहो तो एक्सपोनेंशियल की भी वेरीफाई करके चेक कर सकते हो, जैसे मैंने आपके सामने पीडीएफ सीडीएफ और उनकी तमाम प्रॉपर्टीज आपके सामने यूनिफॉर्म की वेरीफाई कर करके आपको दिखाई थी, इसी तरह आप एक्सपोनेंशियल की भी फाइंड कर सकते हो, फार्मूला वही रहेगा। फार्मूला वेरियंस के लिए भी वही रहेगा, लेकिन एफ ऑफ एक्स वहां पे 1 डिवाइडेड बाय b- से यूज कर रहे थे, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाला यूज करोगे, और यहाँ यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा बस ये थोड़ी सी डिफरेंस होता है, इसलिए हर जगह जगह तो नहीं, यहाँ बस थोड़ा बहुत आपको डेरिवेशन का आइडिया होना चाहिए। अच्छा, सी डी एफ पी डी एफ और ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टीज में भी आपको जो प्रॉपर्टीज मेमोराइज करने के लिए है वो क्या है, कि आप इसका मीन वेरियंस मीन और मॉड डिफाइन कर लो, ठीक है, बाकी सारी चीजों को छोड़ दो, क्योंकि इतनी चीजें याद करना काफी मुश्किल काम होता है। तो अब यहाँ पे वही सेम देखिए काम लिखा हुआ है, हाउ लॉन्ग डू वी नीड टू वेट अंटिल द कस्टमर एंटर आवर शॉप, एक कंटिन्यूस है, यहाँ पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई की जा सकती है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर आ कॉल सेंटर रिसीव द नेक्स्ट कॉल, अब बताइए इन दोनों के दरमियान में कितना फर्क था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, कंटिन्यूस पॉइंट्स आ रहे हैं। तो सेम वही सारा जो है वो एक्सपोनेंशियल वाला ही, वो सॉरी पॉइजन वाला ही सेम कॉन्सेप्ट भी आपके पास डिफाइन कर दिया है। अच्छा, एक चीज मैंने शायद यहाँ पे आपको क्यूमुलेटिव डेंसिटी डिफाइन करके दिखा दिया है। अब ये देखिए क्यूमुलेटिव डेंसिटी, अब मैं पूरी तो नहीं एक्सप्लेन कर रही, इसका भी कॉन्सेप्ट देखिए वही है, एक एक करके दिखा दिया है मैंने आपको, कि यहाँ पे फंक्शन की जगह आप फंक्शन यूज करोगे और इसे 0 से लेके x तक के जो है वो इंटीग्रेट करोगे, फिर वही आप इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल के सॉल्व करोगे। मिस, ये एक्सपोनेंशियल का f ऑफ x है। जी, एक्सपोनेंशियल का f ऑफ x है। अब आ जाते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये कहती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली, एक मिनट स्टूडेंट पानी पी लूँ जरा मैं।
अब ये आपके पास आखिरी डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है आपके पास, कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं. इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है वो क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारे पास ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लाई करती हैं, वो हमारा जो नॉर्मल डेटा होता है ऑलमोस्ट जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे ही लाई करता है. जैसे एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती हूँ या ऐसे डेटा की बात करती हूँ जो कि आपके पास मेजॉरिटी या फिर एक मीन सबका ऑलमोस्ट सेम आ रहा हो. जैसे टेस्ट स्कोर है, टेस्ट स्कोर के अंदर मैंने आपको कहा कि भाई मेजॉरिटी स्टूडेंट के टेस्ट स्कोर जो है वो क्या है 80s में है, या मेजॉरिटी स्टूडेंट के टेस्ट स्कोर जो है वो 70s में. ठीक है, तो अब जब मैं उसका मीन निकालूंगी तो कुछ 70s में ही उसका ऑलमोस्ट मीन भी निकल आएगा. ठीक है, अगर मेजॉरिटी के स्कोर जो है वो 70s में होंगे तो आपके पास उसका मीन भी ऑलमोस्ट क्या निकल आएगा, उसका मीन भी जो वो 70s में ही निकल आएगा. तो आपके पास जो है वो आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन होती है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की. और बहुत सारी एप्लीकेशन है जहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को अप्लाई किया जा सकता है. जैसे मैंने कहा कि भाई हमारे मुल्क के अंदर जो है जो जो मतलब लोगों की हाइट है वो बेसिकली जो है वो ज़्यादातर मतलब अगर मैं एक एस्टिमेट करूँ तो मैंने कहा कि भाई मैंने फॉर सपोज 1000 सैम्पल्स लिए डिफरेंट सिटीज़ के और अपनी कंट्री की जो है वो हाइट प्रिडिक्ट कर रही हूँ. तो मैंने फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट्स को लिए, मतलब बहुत सारी लोगों को लिए, मेल और फीमेल को. तो मैंने हर शहर से मुख्तलिफ मेल और मुख्तलिफ फीमेल्स ली. अब जब मैंने मेल के ऊपर एनालाइज किया तो मैंने मेल के ऊपर एनालाइज किया तो मुझे फाइनली ये पता चला कि जो मेल हैं उनकी हाइट अप्रोक्स 5 to 6 के बिन बिटवीन होती है. ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं मेल मतलब सॉरी मेल की जो ज्यादातर हाइट है वो 5.5 से लेके 6.5 के दरमियान में. ठीक है, इनके दरमियान में जो है वो ज्यादातर हाइट्स मौजूद होती हैं. लेकिन जो मेजॉरिटी हाइट मुझे देखने में आई वो जो है वो क्या है कि वो 6 6 और 5.8 6 6 1 इस तरीके से ज्यादा है. मेजॉरिटी जो है वो ज्यादातर इस रेंज के ऊपर लाई कर रही है. ठीक है, तो ये क्या हो गई कि ये चीज मैंने आपको क्या बताया कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो 6 और 6 के आगे पीछे जो थोड़ी सी वैल्यू है ये ज्यादातर जो है वो दिखने में आती है. अब ये इन चीजों को मजीद जरा और एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड को गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं जिसके CDF और PDF आपके सामने गिवन है. ठीक है, अब इन इनके अंदर डेरिवेशन के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे कि इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया. बस हम कंसंट्रेशन किस पे रखेंगे, कंसंट्रेशन इस पे रखेंगे कि भाई ये हमारा PDF गिवन है, ये पूरा काफी लंबा सा PDF है, याद करना मुश्किल होता है. ये पूरा PDF है, ये इसकी रेंज है, ठीक है, और ये इसका CDF है. ये आपको पूरा फंक्शन याद करना पड़ेगा. ठीक है, कि ये इसका CDF है, या तो याद करो या तो इसकी डेरिवेशन परफॉर्म कर लो. वो फिर भी डेरिवेशन परफॉर्म करोगे तो फिर भी आपको याद ही करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है. अच्छा, अब ये तो आपको बता दिया. अब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शंस होते हैं और ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है जिसमें से मैंने आपको कहा कि कुछ मेन प्रॉपर्टीज याद कर लीजिएगा. जो सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कि फॉर एग्जाम्पल कि हम सबसे पहले चाहते हैं कि हमारा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे लाई कर रहा है या नहीं, तो हम क्या करेंगे इस बात को एस्टिमेट करेंगे. एस्टिमेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना डेटा सेट जो है वो क्या कर देंगे, डेटा सेट जो किसी भी सॉफ्टवेयर में हम दे देंगे और आइदर चेक कर लेंगे, उसका ग्राफ बना के चेक करेंगे कि भाई आइदर ये हमारा डेटा जो है वो नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं. तो इस बात को कैसे चेक किया जाएगा, हम उस पर क्या करेंगे, हम उस पर क्या करेंगे, सिंपल अगर हमें नॉर्मल टेस्टिंग अप्लाई करनी है तो नॉर्मल टेस्टिंग अप्लाई जिस तरह यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है मिनी टैब. मिनी टैब बेसिकली एक स्टैटिकल सॉफ्टवेयर है. जैसे अभी आपको सारा काम मैं मैटलैब पे करवा रही हूँ ना, ऐसे ही सारा काम मिनी टैब पे किया जा सकता है. चाहती तो मैं आपको मिनी टैब भी यूज करवा देती लेकिन ना करवाने का रीजन ये था कि मिनी टैब के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा ही आसानी है. आसानी से मतलब ये है कि बस आप अपना डेटा सेट उसके इनपुट के अंदर डाल दो और बटन दबाओ और सब के सब स्टेट्स जो है वो कैलकुलेट होकर आ जाती है. मीन, मीडियम, स्क्यूलियस, कर्टोसिस, फ्रिक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग. सिर्फ बटन दबाने की देर होती है तो उसके वो पूरा जो ना स्टैटिकल टेबल जो ना आपके सामने उस डेटा का बना के दे देता. तो फिर फायदा नहीं था कि आपको बिल्कुल ही कंप्यूटेशन इस तरह की सिखा दी जाए, बटन दबाते ही आंसर आ रहा है आपको, पीछे कुछ एनालाइज नहीं करना आ रहा, आपको यूज करना नहीं आ रहा. तो इस वजह से मैंने मैटलैब इस्तेमाल करवाई आपको कि ताकि थोड़ा बहुत जो है वो कंप्यूटेशन तो हो लेकिन थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग भी साथ साथ चले.
तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि अब चीज यहाँ पे जो है वो नॉर्मलिटी, अगर आपने नॉर्मल टेस्टिंग करनी है तो नॉर्मल टेस्टिंग के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि आप अपने डेटा का जो है वो क्या बना ले, ग्राफ बना ले, और ग्राफ बनाने के बाद चेक करें आइदर इज इट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट। अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो इस तरीके का पीक बनेगा, इसकी लोअर से लेके अपर लिमिट तक के वो इस तरीके से जो है कर्व बनेगा, सिंगल कर्व। ये आपके पास क्या है, ये जो कर्व डिफाइंड है दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अगर आपके किसी डेटा सेट पे इस तरीके से कर्व बनता है, इसका मतलब है कि आपका डेटा जो है वो नॉर्मल है, आपका डेटा नॉर्मल है, आपका डेटा ज्यादातर जो है वो मीन के आसपास मौजूद है, ठीक है, और इसके अंदर मीन मीडियन मोड जो है आपस में इक्विवेलेंट है। तो अगर आपका डेटा टेस्टिंग करने के बाद आपको पता चलता है कि आइदर आपका डेटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है अगर आपका डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, फर्दर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड से रिलेटेड इसकी प्रॉपर्टीज फाइंड आउट कर सकते हैं और इसके ऊपर अपना फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन इन केस के आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल है, तो अगर नॉर्मल नहीं है तो फिर आप उसके ऊपर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले हमें मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर में डाल के आपको अपना डेटा ग्राफिकली चेक करना होगा कि आइदर ये आपका पीक मतलब इस तरीके का ग्राफ ड्रॉ कर रहा है या नहीं। अगर ये ग्राफ ड्रॉ कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आप इसके ऊपर फर्दर जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जिस तरह प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं, आप उस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं इसको, अदरवाइज जो है वो फिर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कम डेटा सेट है तो हैंड रिटन आप करके देखें, हैंड रिटन जो है वो उस डेटा को प्लॉट कर लें और उसके बाद प्लॉट करने के बाद उसके ऊपर एक कर्व ड्रॉ करें। अगर ऐसा कर्व ड्रॉ हो जाता है इसका मतलब है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो या तो आपके पास मिनी टैब के अंदर इन्होंने दिखाया आपको डायरेक्टली जो है वो डिफाइन करके दिखा दिया। अब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या होती हैं, वो ये है कि द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब मीन मीडियन मॉड सबके सब इसके क्या होंगे, आपस में बराबर। पहली बात ये कि वो सिमेट्रिक होगी, अच्छा पहली प्रॉपर्टी आपकी। दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, आपके पास द एंटायर फैमिली ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड बाय द मीन एंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन तो थोड़ा बहुत आप जानते ही होंगे, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मेजर ऑफ हाउ स्प्रेड आउट योर डेटा अराउंड द मीन, इसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर आप जानते हैं कि भाई इसका आपको ये पता है कि भाई आपका डेटा कितना डेविएट हुआ हुआ है, अब ये जो चीज़ है आपके पास ये इसकी डेविएशन बता रही है कि आपका डेटा मीन से जो है वो कितना डेविएट है। अब दूसरी चीज़ आपके पास इसका ये हाईएस्ट पॉइंट है, मीन मीडियन मोड सब बराबर है। एक बात याद रखनी है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हाफ डेटा सेट इसका लेफ्ट साइड पर होता है और हाफ ही डेटा सेट इसका राइट साइड पे भी आता है। तो ये डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स का मतलब है अगर ये प्रॉपर्टी आपके डेटा पे लाइक करती है दैट मीन्स इस पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई की जा सकती है, अदरवाइज नहीं। तो पहली कुछ प्रॉपर्टीज आपने देखी, तो एक प्रॉपर्टीज में क्या है कि इसके मीन मीडियन मॉड भी आपस में बराबर होने चाहिए। अगर मीन मीडियन मॉड भी आपस में बराबर है, सिमेट्रिक है, इसका मतलब है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका हाफ डेटा लेफ्ट साइड पर होगा और हाफ डेटा राइट साइड पर होगा। फिर ये देखें, यही बात बताइए कि करेक्टरिस्टिक्स में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या है, द एरिया अंडर द कर्व, द टोटल एरिया अंडर द कर्व इज 1.5 लेफ्ट मीन एंड 0.5 राइट मीन। अब ये किसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इम्पेरिकल मतलब इम्पेरिकल रूल है। इम्पेरिकल रूल का मतलब क्या है कि अब देखें, आपने एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ ली, अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी नाम इस्तेमाल किया जाता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क क्या आ जाता है, जब हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो साथ ही एक और वर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं, अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मतलब कि काफी हद तक के ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा ही है, मतलब उसका मीन मीडियन मॉड एग्जैक्टली सेम तो नहीं लेकिन अप्रोक्स सेम की तरफ आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल लिमिट थ्योरम। फिर हम उसे सेंट्रल लिमिट थ्योरम के स्ट्रेटेजी से सॉल्व करते हैं, अगर वो अप्रोक्सीमेटली भी जो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड के करीब करीब होता है तो भी हम उसे किस तरह सॉल्व करते हैं, उसको हम यूज करते हैं बाय यूजिंग सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम में भी मैंने आपको डिफाइन नहीं किया लेकिन मैं सून डिफाइन करूंगी।
तो अगर अप्रोक्सीमेटली भी वो बिहेव कर रहा है, एग्जैक्टली तो नहीं आ रहा सिमेट्रिक, लेकिन अप्रोक्सीमेटली भी नियरेस्ट आ रहा है, तो फिर हम उसे सेंट्रल लिमिट थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क क्या होता है? देखिए, स्टैंडर्ड नॉर्मल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? नॉन स्टैंडर्ड का मतलब है कि आपके पास डेटा कोई भी रेंज हो सकती है, थाउजेंड 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 पॉजिटिव थाउजेंड से नेगेटिव थाउजेंड तक के, और मतलब 5000, 6000, 10000, इस तरह के कोई भी आप रेंज डिफाइन कर सकते हो. लेकिन जब आप स्टैंडर्ड नॉर्मल की बात करोगे, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल के अंदर आप -3 स्टैंडर्ड से +3 स्टैंडर्ड की ही बात करते हो हमेशा. मतलब ये कि फॉर एग्जांपल कि आप अपने डेटा को नॉर्मलाइज्ड कर रहे हो, नॉर्मलाइज करते हैं ना सर, नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हैं कि भाई हमारा हर डेटा सेट की जो अक्रेंस होनी चाहिए वो सिर्फ इन बिटवीन 0 से 1 ही होनी चाहिए. अगर 0 से 1 के बाहर जाएगी तो इसका मतलब है मेरा डेटा नॉर्मलाइज नहीं है, मेरा डेटा अननॉर्मलाइज्ड है. तो बहुत सी जगह ऐसी होती हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको जो है वो अपने डेटा को नॉर्मलाइज करना पड़ता है. मतलब फॉर एग्जांपल कोई ऐसे मॉडल्स हैं, या फिर कोई एग्जांपल के आपके पास कोई ऐसे पॉइंट्स है या ऐसे कोई मैथमेटिकल एल्गोरिथम है जो सिर्फ और सिर्फ आपका नॉर्मलाइज डेटा ही एक्सेप्ट करते हैं. मतलब वो कि वो सिर्फ 0 और 1 के दरमियान में ही कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे एक मॉडल मेरे माइंड में है, जैसे आपका एक्सट्रीम लर्निंग मशीन का मॉडल है, वो सिर्फ 0 और 1 के दरमियान में ही मॉडल इवेलुएट करता है. इसके बाद की वैल्यू, इसके आउट ऑफ द स्कोप की वैल्यू दोगे ना, वो कभी रन नहीं करेगा. तो बहुत सारी जगहों पे फिर हमें क्या करना पड़ता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल यूज करना पड़ता है. स्टैंडर्ड नॉर्मल का मतलब है मीन 0 स्टैंडर्ड डेविएशन 1, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड नॉर्मल. मतलब फिर एक सर्टेन पॉइंट के अंदर ही आपने जो अपने डेटा को इस्तेमाल करना है, इस पॉइंट ऑफ स्कोप के बाहर जो आप अपना डेटा इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, अब मैं यहीं पे जरा अपने लेक्चर को स्टॉप करूंगी, और नेक्स्ट टाइम जब सेंट्रल लिमिट थ्योरम पढ़ाऊंगी ना, तो फिर ये स्टैंडर्ड नॉर्मल मैं उसी के साथ ही पढ़ाऊंगी, वरना फिर अभी भी पढ़ाऊंगी सेंट्रल लिमिट भी पढ़ाऊंगी तो काफी मुश्किल होगा. ठीक है, हाँ बोलो मैम. ये जो आपने बताया स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मैम इसमें रेंज होगी यानी कि 0 से 30 तक? 30 नहीं, -3 स्टैंडर्ड डेविएशन से +3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक. ठीक है, और मिस नॉर्मल में तो नहीं होगी ना, ये एप्लीकेशन लाई तो नहीं करेगी ना? कुछ भी नहीं, कहीं पे भी कर लो, बस वो पीक में लाई कर रहा है ना, मतलब उसकी -∞ से +∞, मतलब कोई भी नंबर. ठीक है मैम, अब ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वाले कॉन्सेप्ट को सेंट्रल लिमिट के साथ पढ़ाऊंगे. ठीक है मैम, ओके, अब यहीं पे स्टॉप करती हूँ. अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ पे मुझे ये बताइए कि यहाँ पर कौन कौन से स्टूडेंट मौजूद हैं? एक तो इवनिंग वाले, नहीं नहीं वो नहीं बताओ, फ्राइडे इवनिंग है? यस मैम, यस. ठीक है, ट्यूजडे मॉर्निंग वाले हैं? ट्यूजडे मॉर्निंग, यस. आप भी हो? ठीक है, मंडे मॉर्निंग, मंडे इवनिंग है यहाँ पे कोई? मंडे मॉर्निंग, मंडे इवनिंग है कोई यहाँ पर? ठीक है, मंडे मॉर्निंग, मंडे इवनिंग नहीं है. अच्छा, क्या नाम है? अब उबैद, ये यहाँ से जो है ना, तुम ये डाउनलोड कर लो ना पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करके, वो वहाँ सीआर वाले ग्रुप पे डाल देना, और लिख देना मंडे मॉर्निंग और मंडे इवनिंग वाले ही अपने अपने स्टूडेंट से शेयर करना आज का लेक्चर. ठीक है मैम, मेरा एक और सवाल है जी मैम, ये जो आपने चैनल है यूबीआईटी का जिसमें स्टैटिस्टिक के लेक्चर अपलोड है, मैम इसका एक्सेस किसके पास है? वही सीआर के पास है, मेरा एक्सेस नहीं है बेटा, मेरा उससे कोई लिंक नहीं है, आप वहीं पे बात करो, उन लोगों के पास ही वही लोग ही बना. हमारी क्लास का एक लड़का है, उसके उसने बनाया वो चैनल. अच्छा, सीआर नहीं है. अच्छा भाई, ये तो क्या नाम है उबैद, आप लोग जरा अपने अपने ग्रुप्स बनाए. ग्रुप्स का मतलब ये है कि एग्जाम्पल के तौर पे कि आप लोग जो है वो 5-5 बंदों के, या 4-4 बंदों, मिनिमम 4 और मैक्सिमम 5, मैक्सिमम 5 से ज्यादा नहीं, कम होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए, कम हो सकते हैं. सही है, दोनों सेक्शन को बता रही हूँ, दोनों के दोनों आप लोग अपने अपने ग्रुप्स बनाइए. जी, ग्रुप्स बनाने के बाद, फाइनली ग्रुप बनाने के बाद जो है वो मुझे अपनी जो है वो क्या नाम है, जब आप चारों सेक्शन अपने अपने ग्रुप बना लें, जैसे अभी यहाँ पे 2 मौजूद है, 2 को मैं नेक्स्ट क्लास में अनाउंस कर दूंगी, चारों सेक्शन ग्रुप बना के एक एक्सेल फाइल के अंदर जो है ना वो मुझे सबके नाम सेंड कर दीजिएगा, एक ही एक्सेल फाइल के अंदर सेंड, एक ही रख दे, कोई एक बना के रख दे, और बाकी स्टूडेंट को, बाकी ग्रुप वाले के सीआर को बोले कि भाई इसके अंदर ऐड करना.
ठीक है मैम. तो ये सबसे पहले आप लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले तक के जो है वो अपने प्रेजेंटेशन ग्रुप बनाने हैं. ठीक है, प्रेजेंटेशन ग्रुप ग्रुप बना लीजिए 4-5, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम 5 में, उससे लेस हो सकते हैं, जितने मर्जी चाहें कम कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 5 से ज्यादा आगे नहीं लेके जाएंगे. उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसके बाद आपको जो है वो मैंने आपको डिफाइन कर दी है कि भाई आप जो है वो 10-15 नंबर का जो ये असाइनमेंट होगा जो आप लोग सॉल्व कर रहे हो. ठीक है, बाकी आपके पास एक 15 मार्क्स की एक प्रेजेंटेशन होगी. अब वो प्रेजेंटेशन किस तरह होगी कि वो प्रेजेंटेशन के अंदर आपने जो है सबसे पहले तो अपने अपने ग्रुप्स बना लीजिए. ग्रुप्स बनाने के बाद जो भी मैं आपको टॉपिक दूंगी उस टॉपिक को आपने मैटलैब पे इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंट करने के बाद उसकी वीडियो शूट करनी है. जैसे आपको एक डमी तौर पे मैं दे दूंगी जिस तरह इस सेमेस्टर के स्टूडेंट ने किया है, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी में तो है नहीं कि मैं डायरेक्टली आपकी प्रेजेंटेशन लूँ, तो आप उसकी फिर मुझे वीडियो शूट करके दोगे. ठीक है, आपको एक सैंपल के तौर पे शो कर दूंगी मैं, आप उसकी वीडियो बनाओगे और फिर वो मुझे जो है वो एक टारगेट डेट तक के सबमिट करवाओगे, और ये काम आपने ग्रुप में करना है, और इसके मार्क्स होंगे 15 नंबर. समझ आ रही है? तो पहले आप एक मिनट स्टूडेंट, एक पहला काम ये है कि प्रेजेंटेशन ग्रुप बनाइए, और जब ग्रुप बनाने के बाद आप मुझे सेंड करें, फिर मैं फर्दर आपको बता दूंगी. हाँ जी स्टूडेंट पूछें. मैं जैसे अब एक ग्रुप में 5 स्टूडेंट है मैं, तो 5ों की में से ये सेम प्रेजेंटेशन होगी? जी बिल्कुल सेम होगी. ठीक है मैम. मिसाल एक टॉपिक देंगी कि इस टॉपिक पे बनानी है प्रेजेंटेशन, और वो हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे मैटलैब पर. मिलके मिलके करोगे, मिलके करेंगे, 5 ग्रुप वाइज मिलके करोगे. हाँ ग्रुप में करोगे मिलके.